बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज में दिनदहाड़े एक छात्र ने कॉलेज के चेयरमैन को गोली मार दी, जिसकी आवाज सुनकर कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। वहीं हमले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, साथ ही कॉलेज के चेयरमैन को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर बताई जा रही है। शिक्षण संस्थान में इस हमले की सूचना से पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में फरीदपुर थाना पुलिस कॉलेज पहुंची, वहीं एसपी देहात ने भी फोर्स के साथ पहुंचकर मौके का मुआयना लिया। जानकारी के अनुसार फरीदपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्थित लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज में स्टूडेंट के लिए मोबाइल ले जाने पर बैन है। कॉलेज नियम के अनुसार अगर किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल पाया जाता है तो उस पर 700 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। इस कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स के साथ बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाला श्रेष्ठ सैनी बी फार्मा तृतीय वर्ष का छात्र है, जिसके पास से कॉलेज में पिछले दिनों मोबाइल पकड़ा गया था। इसके बाद आज फिर कॉलेज में श्रेष्ठ मोबाइल लेकर पहुंचा था, जिसे एक बार फिर मैनेजमेंट द्वारा पकड़ा गया। इसको लेकर हुए विवाद में छात्र श्रेष्ठ सैनी ने कॉलेज के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल को गोली मार दी। इसके साथ ही आरोपी छात्र हमले के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं इस हमले से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि गंभीर हालत में कॉलेज के चेयरमैन को भोजीपुरा स्थित राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची फरीदपुर थाना पुलिस और एसपी देहात राजू राजकुमार अग्रवाल ने कॉलेज प्रबंधन से हमले की जानकारी ली, साथ ही मौके का मुआयना किया। वहीं इस हमले को लेकर एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। थाना फरीदपुर के एक मैनेजमेंट कॉलेज में वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको, उन्हीं के एक स्टूडेंट ने, जो बी फार्मा थर्ड ईयर का स्टूडेंट बताया गया है, उसने गोली मारी है। और गोली मारने के कारण कुछ उसके अपने ग्रीवांसेस थे। जो मजरूब हैं उनको एसआरएमएस में भर्ती कराया गया है। अभी उनके परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त करके हम लोग जो है उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट है इस मुकदमे का अभियुक्त, उसको गिरफ्तारी के लिए हमारे सार्थक प्रयास जारी है।